हेलो स्टूडेंट्स, कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज हम इस वीडियो में कुषाणकालीन मात्रा आ ई उ ऊ कैसे लगती थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आ की मात्रा, जैसे ये हमने अ लिखा, अब इसमें आ की मात्रा कैसे लगेगी, ये हमने आ की मात्रा लगा दिया। ये कुषाणकालीन आ। मौर्य काल में आ कैसे लिखते थे, ये हम, ये अक्षर सीधे हो गया, ये हम ऊपर में यहाँ आ लगाते थे, वो चीज़ चेंज होके कुषाण काल में यहाँ पे लग जाएगा, ये हो गया आ। इम्पॉर्टेंट इसमें है बड़ी वी। कुषाण काल में देखिए बड़ी वी कैसे लिखते हैं, ये बड़ी की मात्रा कैसे लगती है, व लिखा, व लिख दिया, इसके ऊपर हमने ये हाफ, ये हो गया बड़ी वी। यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार, ये व लिखा, इसके ऊपर ये मात्रा लगाया बड़ी वी। छोटी वी कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा व, और ये यहीं से हाफ लगा दिया ऐसे। ये कुछ मौर्य काल में कैसे लिखते थे, छोटी वी, ये लिखा व और ये हाफ। तो ये ब्रैकेट जो बनता था वो ब्रैकेट चेंज होके कर्व हो जाता है कुषाण काल में, छोटी वी और ऊपर ये बड़ी वी, ठीक है। बाकी छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सारी मात्राएं मौर्यकालीन लिपियों में अक्षरों में जैसे लगा करती थी सेम वैसे ही लगेंगी। अब दूसरा हम देखते हैं कुषाण काल के अभिलेखों में गणित के 1 2 3 4 5 6 ये अंक कैसे लिखे जाते थे, जो इम्पॉर्टेंट है अभिलेखों में मिलता है। कुषाण अभिलेखों में तिथि संवत इत्यादि को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग हुआ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला एक, एक अभिलेखों में कैसे लिखा हुआ कुषाण अभिलेखों में मिलता है, एक के लिए एक डंडी, दो, दो के लिए दो डंडी, तीन, तीन के लिए तीन डंडी का प्रयोग, चार, चार के लिए ये हमने कर दिया और ये कर दिया चार। इसके बाद पांच, ये पांच ऐसे ऐसे भी मिलता है, ये हो गया पांच। इसके बाद छः, छः के लिए जैसे इंग्लिश का सिक्स हुआ, यहाँ से ऐसे कर दिया, फिर से एक बार बना देते हैं, ये यहाँ से ऐसे, ये छः। सात, सात के लिए ऐसे सात। आठ, आठ को ऐसे, ये आठ। नौ, प्रश्नवाचक की तरह से ये हो गया नौ। फिर दस, दस को चार जैसे अक्षर लिखते थे अंक, इसको उल्टा कर देंगे, ये हो गया दस। अब इसके बाद अभिलेखों में बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ ये भी लिखा हुआ मिलता है। बीस के लिए देखिए कैसे, ये बीस, बीस के लिए ऐसे। तीस, तीस के लिए जैसे नौ अंक का होता है ऐसे तीस। चालीस, चालीस के लिए सिक्स और ऊपर हल्का सा ये घुमा हुआ रहेगा। पचास, साठ के लिए वी। सत्तर के लिए एक्स। अस्सी, सर्किल बीच में ये अस्सी। नब्बे, इस प्रकार से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी और नाइन्टी,
इनका प्रयोग हम कुषाण अभिलेखों में मिलते हैं। इस प्रकार से इस तीन वीडियो के माध्यम से हमने आपको आज बताने की कोशिश की कि कुषाण अभिलेखों में अक्षरों का, मात्राओं का कैसे उपयोग होता था। नेक्स्ट वीडियो अगले व्याख्यान में अपने हम लेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।